नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी एनएचएम एएनएम 17,000 प्लस पोस्ट वेटिंग लिस्ट, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, शासन सुझाव 22 अगस्त सुबह 8 बजे की तैयारी सही या गलत है। 21 अगस्त को भारत बंद होने की आशंका और 23, 24, 25 और 31 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को 78वें जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामजी फार्मा क्लिनिक की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये अपडेट जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी तैयारी कर लिए हैं। तैयारी का मतलब जो है 22 अगस्त को लखनऊ जाने की तैयारी है। 8 बजे जो है श्री ब्रजेश पाठक सर जी का जनता दरबार है कि नहीं है, अगर होगा तो दोस्तों हो सकता है उस दिन टल जाए, क्योंकि 21 अगस्त को भारत बंद होने की आशंका है और उस दिन ट्रैफिक वगैरह काफ़ी जो है जाम रहेगा दोस्तों का, बहुत कम चांसेज रहेंगे आपको कन्वेंस वगैरह जो है मिलने के, और मिलेंगे भी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ रहेगी। और 22 अगस्त को अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जाइए, जिनका मन है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों ने तारीख जो चुना है वो हमारे हिसाब से जो है तारीख है गलत आप लोगों ने चुन लिया है, क्योंकि दोस्तों 21 अगस्त को भारत बंद रहे होने की मतलब बात सुनने में आ रही है और 22 अगस्त आपकी तैयारी है और 23, 24, 25, 30, 31 यानी जब 23 तारीख को परीक्षा रहेगा तो 22 तारीख से ही अभ्यर्थी अपने अपने सेंटर पर जाना शुरू कर देंगे। यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है और आप लोग को पता है 62,000 पद हैं लगभग, इसमें 50,00,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं और लगभग मान के चलिए दोस्तों ज़्यादा भीड़ रहेगी। हर शहर में जो है, चाहे लखनऊ हो दोस्तों, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आपका प्रयागराज हो दोस्तों, चाहे आपका गोरखपुर हो, कहीं भी अगर आपको जाना है तो दोस्तों ये तारीख हमको जो है सही नहीं लग रहा है ये धरना प्रदर्शन का। और धरना प्रदर्शन कैसे होता है दोस्तों, वह भी आप लोग को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ऐसे वीडियो जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से अगर संख्या बल आपकी रहती है जब भी धरना प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहें, ऐसे जो है वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ संख्या अगर आपका ऐसे रहेगा तभी आपकी बात मानी जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोविड के जो अभ्यर्थी रहे उन लोगों का जो है क्या बोलते हैं, इतनी संख्या ज़्यादा थी कि उनकी बात मान ली गई, उनका समायोजन कर दिया गया है, इसलिए वेटिंग लिस्ट कुछ कहा नहीं जा सकता, क्लियर भी हो सकती है नहीं भी क्लियर हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों अब आप लोग से मैं यही कहूँगा कि जब भी आप जाइए संख्या बल आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अपडेट रही। जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि हम वहाँ जाएँ, मुझे तो लगता है कि बहुत कम ही अभ्यर्थी पहुँच पाएंगे। पिछली बार जबकि तारीख सही थी, 2 जुलाई को रखा गया था, बहुत से अभ्यर्थियों को मतलब जानकारी भी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी नहीं आए और लखनऊ के ही अभ्यर्थी नहीं आए दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो लखनऊ से हमारी बात हुई थी कि सर आएंगे, लेकिन वो लोग भी नहीं आए। हम लोगों को मिला के दोस्तों, मैं भी पहुंचा था वहाँ पे, कुल मिला के 20-22 लोग पहुँचे थे। इसलिए 20-22 से कुछ होने वाला नहीं है, संख्या बल कम से कम 100-150-200 तो आप इकट्ठा करिए, तब जाके कहीं होगा। तो दोस्तों जैसा भी हो आप लोग अपने सोच समझ के कर लीजिए और सही तारीख सही समय चुनिए, तो मैं भी आप लोगों के साथ आऊँगा, आप लोगों की बात रखूँगा वहाँ पे। पिछली बार 2 जुलाई को मैं भी पहुँचा था वहाँ पे और अपनी बात को मैंने रखा था, वहाँ से आश्वासन भी मुझे मिला कि 50% चांस है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का, क्योंकि उस समय कोविड वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन नहीं किए थे, वो 7 अगस्त को धरना प्रदर्शन किए हैं, तब जाके जो है दोस्तों उनका समायोजन हो पाया है। तो ये सारी अपडेट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी आप लोगों ने वीडियो को देखा ही है दोस्तों कैसे संख्या बल उसमें है ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।